हेलो गाइस, अगर आप यूके में जाके काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप यूके में जाके काम कर सकते हो। ये वीडियो प्रोफेशनल लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, जैसे आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, कोई भी हो, या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रोग्राम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप यूके में जाके सेटल हो सकते हो। फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बहरीन, दुबई, कतार, आप कहीं से भी हो, नेपाल, बांग्लादेश या कोई भी एशियन कंट्री से हो, इसमें आपको सारे तरीके पता चलेंगे। तो अब इनमें से कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है यूके में, फिर भी आप यूके में जाके रहना चालू कर सकते हो और वहाँ पे आपको जॉब मिलना भी आसान हो जाएगा। और इनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें आपको जॉब ऑफर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना आपका वर्क परमिट इनिशिएट नहीं हो सकता है। सो बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। और इस वीडियो में लाइक एंड शेयर अच्छे आते हैं तो मैं यूके से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं जॉब रिलेटेड, वर्क वीज़ास एंड स्टूडेंट वीज़ास रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हो तो ये आपके लिए नंबर वन चैनल है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू वर्क एंड सेटल इन अब्रॉड। दोस्तों, सबसे पहला जो वीज़ा है वो है यूथ मोबिलिटी वीज़ा। इसको यूथ मोबिलिटी स्कीम भी बोला जाता है और ये यूथ के लिए है। मतलब अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप यूथ मोबिलिटी स्कीम के थ्रू यूके में जा सकते हो विदाउट एनी जॉब ऑफर, क्योंकि ये वीज़ा आपको 2 साल तक यूके में रहने की अनुमति देता है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला जो वीज़ा है ये यूथ के लिए है। ये एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है, तो जब भी इसका बैलेट खुलता है तो आपको उनको मेल करना पड़ता है अपनी बेसिक डिटेल्स, एंड एवरी ईयर 3,000 इंडियंस को लिया जाता है वाया यूथ मोबिलिटी स्कीम। तो इसका जब बैलेट खुलेगा आपको सबसे पहले इस चैनल में पता चलेगा विथ ऑल द गाइडलाइंस रिक्वायर्ड टू गेट दिस वीज़ा। सो गाइस, दूसरा जो वीज़ा है वो है टेक नेशन वीज़ा। तो ये यूजुअली उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप टेक नेशन वीज़ा के थ्रू जा सकते हो यूके में विदाउट एनी जॉब ऑफर। ये जो वीज़ा है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है और आपके पास उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो ही आपको ये वीज़ा मिल सकता है। और ये वीज़ा भी बहुत पावरफुल है, ये आपको 5 साल तक रहने की अनुमति दे सकता है यूके में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूके में जाके काम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें या वहाँ जाके हम जॉब ढूंढें। तो गाइस, अगर आप वहाँ जाके जॉब ढूंढते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे रहते हैं जो ये चाहते हैं कि आप वहीं पर इंटरव्यू दे दो उनको आमने सामने, वन ऑन वन। टेक्नीशियन वीज़ा भी बहुत पावरफुल वीज़ा है। अगर आप प्रोफेशनल हो और आपके पास कुछ बैंक बैलेंस बचा हुआ है तो आप यूके में जाके जॉब ढूंढ सकते हो और आपको जल्दी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रेलेवेंट वीज़ा है जो आपको यूके में काम करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, इसके बाद एक वीज़ा आता है जो है फेडरल स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिसको Tier 2 वीज़ा भी बोला जाता है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी बोला जाता है। तो गाइस, ये जो वीज़ा है ये आपको यूके में काम करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए यूके एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर। अगर यूके का कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है तो ही आपके लिए ये वीज़ा वैलिड होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको जॉब ऑफर चाहिए, विदाउट गेटिंग ए जॉब ये वीज़ा आपके कोई काम का नहीं है। एंड गाइस, आपको जॉब अप्लाई करने के लिए आपको यूके में स्थित होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, आप थोड़ी मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो आपको इस चैनल में मिलती ही रहती है, और आपको चाहिए एक इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर, क्योंकि आपको कहीं पर भी अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको उनको मेल करना पड़ता है अपना CV एंड कवर लेटर। इफ़ दे लाइक योर प्रोफाइल तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वंस यू क्रैक द इंटरव्यू फिर आपको जॉब ऑफर मिलता है और आपको स्पॉन्सर करती है आपकी कंपनी। तो दोस्तों, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको वीज़ा दिलवा सकता हूँ तो वो आपको नहीं दिलवा सकता है। वर्क वीज़ा आपको तभी मिलता है जब आपको किसी यूके एम्प्लॉयर से
जॉब मिल जाए। यूके में अभी करेंटली 38,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स है जो आपको टीयर टू वर्क वीज़ा दिलवा सकते हैं। ये याद रखिए कि वर्क वीज़ा का फॉर्म भी आपका एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ में भरता है, उसमें आपके एम्प्लॉयर्स की भी डिटेल आती है और आपकी भी डिटेल्स आती है। फिर वंस यू गेट एन अपॉइंटमेंट, फिर आपको अपनी फाइल्स अरेंज करके जाना पड़ता है और एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होता है लाइक 5-10 मिनट्स। उसमें आपसे यही पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ पे रुकने वाले हो, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स रहती है। तो अगर आपके पास सारा डेटा है तो आपको वर्क वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो गाइस, हर इंसान की प्रोफाइल अलग है, उसके लिए तरीके भी अलग है। तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको मुझसे कोई सर्विस लेनी हो। यस, उसके चार्जेस भी रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी अलग वीज़ास रहते हैं, जैसे केयर गिवर वीज़ास जो नर्सेस या बेबी सिटर्स या केयर गिवर्स के लिए रहते हैं। ये वीज़ास बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और केरला से तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं वहाँ पर काम करने के लिए विद दिस वीज़ा, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश में बोलचाल अच्छी है तो आप केयर गिवर वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हो यूके में। सो गाइस, अगर आप यूके में काम करने में इच्छुक हो तो आप सीजनल वीज़ा के थ्रू भी जा सकते हो। फार्म वर्कर्स, पैकेजिंग वर्कर्स, काफ़ी सारे होटल इंडस्ट्री के जॉब्स है जो सीजनल वीज़ास के अंदर भी आते हैं। इनफैक्ट अगर आप ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हो तो भी सीजनल वीज़ा के थ्रू आप ट्रक ड्राइवर का जॉब ले सकते हो। यस गाइस, सीजनल वीज़ा के लिए भी आपको जॉब लेना ज़रूरी है। जॉब लेने के लिए इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर। इसके अलावा एक वीज़ा रहता है जिसको बोला जाता है PSW, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो अगर आपने यूके में कोई स्टडीज़ की है तो आपको 6 महीने से 3 साल तक रहने की अनुमति मिल सकती है यूके में। और ये जो PSW है ये ओपन वर्क परमिट रहता है। इसके अलावा आपको PR भी मिल सकती है यूके में अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा रहते हो, किसी केस में 5 साल, किसी केस में 7 ईयर्स में आपको PR मिल सकती है। यूके में PR को बोला जाता है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। एंड यूके का पासपोर्ट इज अमॉन्गस्ट द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। एंड नॉट टू मेंशन, यूके में अगर आप छोटे से छोटा भी काम करोगे तो आप 2 लाख रुपये महीना या उससे ज़्यादा कमाओगे। आप ओवरटाइम करते हो उसका अलग मिलेगा, और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो, क्योंकि हर प्रोफाइल के हिसाब से आपकी पर आवर वेजेस अलग रहती है। सो अगर आप सिर्फ 8 पास हो या उससे ज़्यादा हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। आपको वैसे जॉब्स को टारगेट करना है जिसमें डिमांड ज़्यादा हो। जितने भी स्किल्स शॉर्टेज जॉब्स रहते हैं वहाँ पर अगर आप ट्राई करते हो तो आपके चांसेस अच्छे रहते हैं। स्किल शॉर्टेज लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो जॉब है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, क्या वो स्किल शॉर्टेज में आता है कि नहीं। अगर वो स्किल शॉर्टेज में आता है तो आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिल सकता है। सो गाइस, अभी तक मैं आपको यूथ मोबिलिटी वीज़ा, ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा जैसे टेक्नीशियन वीज़ास, PSW, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, केयर गिवर वीज़ास, टीयर टू या स्किल्ड वर्कर वीज़ा, इन सारे वीज़ास के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया हूँ। और इन सब के मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ अपने इस चैनल में, तो आप उन वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो अगर आपको कोई भी वीज़ा के बारे में इनडेप्थ नॉलेज चाहिए। कुछ वीज़ास ऐसे हैं जिसमें आपको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ वीज़ास ऐसे हैं जिनमें आपको जॉब ऑफ़र मस्ट है। तो ये सारी बातों को आपको कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो। तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो और अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप यूके में जाके काम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनती इंसान हो तो आप यूके में बहुत सारे पैसे कमाओगे, और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो यूके भी आपके लिए कुछ भी बेनिफिट में नहीं रहेगा। एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आपको एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने में या इन वीज़ास को लेने में। आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आपको ये वीज़ास मिल जाते हैं। यस, आपको राइट तरीके से अपनी फाइल वगैरह अरेंज करनी पड़ती है। आपको प्रॉपर बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपका 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा बैंक बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा या टेक्नीशियन वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हो यूके में तो आपको 2500 पाउंड से ज़्यादा अपना बैंक बैलेंस बताना ज़रूरी है।
तो जितने भी मैंने आपको वीज़ास के बारे में बताया उनकी लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिफ़र कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं। मैं जॉब रिलेटेड, वर्क वीज़ास एंड स्टडी वीज़ास से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।